हेलो फ्रेंड्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 और 24 एक्सरसाइज 7.6 का, और इसके पहले सारे सम्स इस एक्सरसाइज के अपलोड कर दिया है। एक्सरसाइज 1 7.1 से 7.6 तक का पूरा सलूशन अपलोड कर दिया है। आप लोग देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, आगे की एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। देखना है क्वेश्चन नंबर 23 है क्या हमारा, एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स क्यूब का डी एक्स, ये ऑप्शनल है। एमसीक्यूज चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है देखते हैं। क्या है हमारा एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स क्यूब प्लस डी एक्स, ये है हमारा। अब देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब को अगर हम मान लें और सब्सटीट्यूट करें इसका, तो एक्स स्क्वायर सब्सटीट्यूट यहाँ दिया गया है। क्या करेंगे, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी, डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर dt अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में किया, तो अगर हम 2 को उधर भेज दें तो क्या आ जाएगा, dx की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1 अपॉन 2x स्क्वायर dt, ये dx की वैल्यू आ गई। आप यहां पर पुट कर देते हैं, x स्क्वायर e टू पावर t dx की जगह क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर dt। अब x से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन 2 बाहर कर देते हैं, बचा e टू पावर t dt। e टू पावर t का क्या होता है, इंटीग्रेशन e टू पावर t ही होता है, तो यहाँ e टू पावर t लिख देंगे प्लस c। आप t की वैल्यू पुट कर देते हैं, और t की वैल्यू हमारी है क्या x क्यूब लिख दिया प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा थर्ड सही है, तो ये थर्ड वाला ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है, e टू पावर x sec x प्लस 1 प्लस tan x dx। अब सबसे पहले बच्चों इसको क्या करेंगे, sec x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो sec x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, e टू पावर x sec x और sec x tan x, e टू इससे मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आ जाएगी dx, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको पहले अलग अलग करेंगे, इसको अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो हमारा देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमारा, आइलेट के अनुसार क्या है आइलेट, अब देखिए ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनवर्स ये होता है, इनवर्स नहीं एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में ये दिया गया है, ये हमारा क्या लास्ट में आ रहा है, तो पहले कौन आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेंगे इसको सेकंड लेंगे, तो हम फर्स्ट फंक्शन लिख लेंगे एज इट इज। अब सेकंड फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो e टू पावर x का क्या आता है, e टू पावर x ही होगा, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं e टू पावर x sec x, ठीक। फिर माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है sec x का पता होगा, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x tan x, वो तो sec x का क्या होता है tan square x, तो tan square x लिख देंगे यहाँ, नहीं डिफरेंशिएशन में sec x का sec x tan x होता है बच्चों, क्या होता है sec x tan x, और
ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स होगा, ठीक। अब ये क्या होता है, डेरिवेटिव sec x का जो होता है वो क्या होता है, sec x tan x होता है बच्चों, कंफ्यूजन हो जाती है। आप ये ऐसे ही लिख देंगे, इसको जब मल्टीप्लाई से किया था तो sec को छूट गया था, sec भी लिखना है, इसमें क्या हो जाएगा, sec x tan x, ये यहां भी क्या आ जाएगा, sec x tan x। देखिए करने से हमें पता लग जाता है, अगर स्टेप मिस कर दो तो फिर मालूम नहीं चलता। तो ये हमारा, इसको ऐसे लिख लेंगे, e to power x sec x tan x tan x dx, इंटीग्रेशन तो लगाया नहीं मैंने, तो e to power x sec x tan x ये हमने लिख दिए। अब देखिए ये हमारा वही चीज है, ये प्लस का है माइनस का, e to power x पहले लिखना चाहे तो लिख लो, एक स्टेप बढ़ा सकते हो, sec x माइनस sec x, पहले e to power x लिख लो, e to power x sec x tan x। आप देखिए यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा, प्लस e to power x sec x और tan x dx। आप क्या करेंगे, ये प्लस का माइनस का कैंसिल कर देंगे, प्लस सी था प्लस सी कर दो, तो e to power x sec x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कौन सा पार्ट सही है, e to power x sec x, सेकेंड पार्ट ऑप्शन सही है ये वाला। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 रहा, 23 और 24। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली आगे एक्सरसाइज और चैप्टरों की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू, नोट इट डाउन।